भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है जो कक्षा 6 में पढ़ाई जाती है उसका 6वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब देखिए, यहाँ पर हमने स्थलमंडल पढ़ा, लेकिन स्थलमंडल में भी क्या होते हैं, स्थल के कुछ रूप होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, पर्वत अलग होते हैं, पठार हैं, घाटी हैं, पहाड़ी हैं, मैदान हैं, झील हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके आज पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये जो स्थल मंडल है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन स्थल मंडल में ये जो चीज़ें होती हैं स्थल पर, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद 2 चैप्टर और हैं, इनको भी बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि इंग्लिश पेडागोजी हम शुरू करें, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो इंग्लिश पेडागोजी है उसमें केवल 8 से 10 टोटल लेक्चर होंगे, और पूरी 8 से 10 लेक्चर में ही इंग्लिश पेडागोजी को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। या फिर क्लास 6 की मैं साइंस को कवर करूं, तो ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की पुस्तक है, इससे पहले मैं एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की पुस्तक है कक्षा 6 में पढ़ाई जाती है उसको भी कवर कर रहा हूँ साथ के साथ, उसमें भी 5 से 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के भी नहीं देगा आपसे, यहाँ से बिना घुमाए क्वेश्चन यहीं से एक पॉइंट उठा के सीधी सीधी लाइन उठा के आपके पेपर 2 में सीधा सीधा पूछ लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। इसके अलावा बाल विकास का कोर्स यहाँ पर चलाया जा रहा है, इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है, जो बाल विकास में एक एक चैप्टर से बेस्ट 100 क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन हम पेडागोजी, 40 क्वेश्चन हम फैक्ट वाइज थ्योरी वाइज इस तरह से कवर कर रहे हैं। तो वो वीडियोज़ भी आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी पर सबसे पहले बात आती है कि स्थल रूप कितने हैं, तो अनगिनत स्थल रूप हैं। सबसे पहले याद रखेंगे पृथ्वी पर अनगिनत स्थल रूप हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें पृथ्वी पर बहुत सारा भाग है वो उठा हुआ होता है, कुछ भाग थोड़ा समतल होता है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, तो इन सारे स्थल रूप कहते हैं इनको, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे स्थल रूप हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ, पहाड़ी, पठार। तो आज की इस वीडियो में कुछ पठारों के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, पर्वतों के बारे में और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहां पर कुछ मैदानों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जहां से आपका प्रश्न बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो है अपरदन, 2 टर्म दिए हैं, एक अपरदन और निक्षेपण, तो इन 2 टर्म के बारे में पहले जान लेते हैं। अपरदन कहते हैं पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना, तो पृथ्वी की सतह जब टूटकर घिसती जाती है तो उसको बोलते हैं अपरदन। इसी तरह ये जो परत है, निक्षेपण है, इसकी प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता जाता है, जो परत घिसकर कम हुई है इसका फिर दोबारा से निर्माण होगा, तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट टर्म है आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, चलिए पर्वतों की, पर्वत क्या होते, क्या है पर्वत। सबसे पहले तो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, जैसे पृथ्वी की सतह है, इसी सतह को हम ऊंचाई ऊंचा कर दें तो इसको बोलेंगे हम पर्वत। पर्वत कैसे होते हैं, उनका शिखर छोटा होता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये पर्वत है, इसका जो शिखर है यानी कि जो चोटी है वो छोटी है, इसका जो आधार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस तरह के होते हैं पर्वत। इसके अलावा बहुत यहाँ पर एक है हिमानी, हिमानी किसे कहते हैं, तो पर्वतों में जो नदियाँ होती हैं वो बर्फ़ में जब जम जाती हैं तो उसको बोलते हैं हिमानी। याद रखेंगे, पर्वतों में जो भी नदियाँ होती हैं जब वो बर्फ़ के रूप में जम जाती हैं उनको बोलते हैं हिमानी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, देखिए जो चीज़ें आपको पता है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं और वहाँ से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में नहीं आता है। जैसे जलवायु ठंडी होती है, काफ़ी ज़्यादा ऊँची होती हैं, बादलों से भी कई ज़्यादा ऊँची होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वलित पर्वत दिया गया है, तो अभी आगे मैं पर्वतों के प्रकार जब पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। वलित पर्वत कहते हैं जैसे ये आप देख सकते हैं जो वलित पर्वत है, तो इस तरह के जो पर्वत होते हैं, नॉर्मल जो पर्वत होते हैं, इनको वलित पर्वत कहते हैं, जहाँ पर ये चोटियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस तरह की ऊपर जो चोटी है और नीचे आधार बड़ा, इसको बोलते हैं वलित पर्वत। अब यहाँ पर देखिए पर्वत, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रशांत जो महासागर है उसमें मोनाकी पर्वत, एक पर्वत है मोनाकी पर्वत जिसको हवाई द्वीप बोलते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है, यानी कि ये जो पर्वत है वो सागर के नीचे स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊँची है, ठीक है।
तो 10,205 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसा पर्वत, अब आप लोगों को ये बता सकते हैं कि एक ऐसा पर्वत भी है मोनाकी पर्वत जिसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। अब इसके बाद है कुछ जैसे पर्वत होते हैं तो उनमें कई सारी श्रृंखलाएं भी होती हैं, पर्वत अलग होते हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएं अलग होती हैं। तो श्रृंखलाओं में तीन श्रृंखलाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि कहां पर है, एशिया में। एक है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ये कहां पर है, ये यूरोप में है। एक है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। ये मैं पहले इससे पहले भी बता चुका था आपको, तो आप याद रखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला आल्प्स यूरोप में है, हिमालय एशिया में है, और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये कहां पर है, ये दक्षिण अमेरिका में है। अब इसके बाद है पर्वतों के प्रकार दिए गए हैं। पर्वतों के तीन प्रकार होते हैं दोस्तों, वलित पर्वत, भ्रशोंथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत आपको बताइए, मैंने आपको बता दिया जो वलित रूप में होते हैं, जैसे ऊपर की तरफ से थोड़ा सा चोटीदार होगा, नीचे से तो इस तरह के होते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वतों के प्रकार कई सारे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो जो हिमालय है वो वलित पर्वत में आता है, ठीक है, आप याद रखेंगे हिमालय कौन सा पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है। भ्रशोंथ पर्वत, इसके बारे में चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। भारत की जो अरावली श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी अरावली श्रृंखला है, ये आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के जो अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत है वो गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो वलित पर्वतों के प्रकार कुछ और भी हैं, जैसे जो हिमालय पर्वत है वो भी वलित पर्वत है। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा यूराल पर्वत है जो कि रूस में है। ये सारे वलित पर्वतों के प्रकार हैं। अब यहाँ पर बात दी गई है कि वलित पर्वतों के बाद भ्रशोंथ पर्वत। भ्रशोंथ पर्वत कौन से पर्वत होते हैं, तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से जो पर्वत होते हैं वो जो टूट के थोड़े से धस जाते हैं, आधे ऊपर उठे रहते हैं, इन सभी पर्वतों को बोलते हैं भ्रशोंथ पर्वत। अब भ्रशोंथ पर्वत दो प्रकार के होते हैं, उत्खंड भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्खंड भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश भ्रशोंथ पर्वतों के प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेता हूँ इसके जो यूरोप की जो राइन घाटी है, और वासजेस पर्वत है, यूरोन में एक राइन घाटी है और एक वासजेस पर्वत है, वो भ्रशोंथ पर्वतों के प्रकार हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रशोंथ पर्वत के प्रकार बताइए, तो यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत, इसको बोलते हैं ग्राबेन, ठीक है। वासजेस जो पर्वत है इसको ग्राबेन भी बोलते हैं और ये भ्रशोंथ पर्वत के प्रकार हैं, आप याद रखेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी पर्वत वो होते हैं जिनमें से जो जो ज्वाला निकलती रहती है, यानी कि जो फटके उसका जो लावा है वो निकलता रहता है, वहाँ से आग हमेशा निकलती रहती है। अब इसके जो उदाहरण हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है, और जापान का फ्यूजियामा पर्वत है वो भी ज्वालामुखी पर्वत है। तो इन ज्वालामुखी पर्वतों के नाम भी आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि पर्वत क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारीदायक होते हैं, उनमें कई सारे पनबिजली कार्य होते हैं, उनमें कई सारे स्रोत होते हैं, नदियाँ होती हैं, गोंद रेजिन सारी चीज़ें वहाँ से, ईंधन चारा आश्रय सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। पर्वतों में लोग क्या करते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन हमारे काम की नहीं है ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर पर्वतों के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब बात कर लेते हैं पठारों के बारे में। देखिए थोड़ा सा मैं आपको पठारों के बारे में बता देता हूँ कि पठार होते क्या हैं। देखिए ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये जो भूमि देख रहे हैं आप, ऊपर से इसकी चोंच नहीं है, यानी कि ये जो सपाट भूमि है और पृथ्वी से नीचे उठी हुई भी है, तो इसको बोलते हैं पठार। इसकी खास बात यह है कि जो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 6,000 से 4,000 से लेकर 6,000 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 4 से 6 किलोमीटर तक ऊँचे ये पठार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पठार है, तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ आपको पठारों की बता देता हूँ कि भारत का दक्कन पठार सबसे पुराना पठार है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना पठार कौन सा है भारत का, तो वो है दक्कन पठार। अब मैं यहाँ पर दक्कन पठार की आपको स्थिति बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो भारत के बीच में एकदम ये हिस्सा देख रहे हैं, ये है दक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन पठार। तो इस पूरे भाग में फैला हुआ है दक्कन पठार, ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जाता है इस वाले क्षेत्र को, इधर हमारा थार डेजर्ट यानी कि थार मरुस्थल है। इसके अलावा नीचे इधर वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट भी होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्थिति लगाइए कि ये है दक्कन पठार, ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा है।
अब यहाँ पर हैं कुछ जैसे और भी पठार हैं, जैसे केन्या तथा तंजानिया तथा युगांडा की पूर्वी अफ्रीका के पठार तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये भी कुछ पुराने पठार हैं जिनके उदाहरण हैं। इसके अलावा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। अब तिब्बत का पठार है कहाँ पर, इसकी स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है इंडिया और ये है चाइना। तो इंडिया का ये जो नेपाल और भूटान है इसके बराबर में ही ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू इसको बोलते हैं। ये इधर तिब्बत का पठार है आप देख सकते हैं, और इधर ये आप देख सकते हैं इधर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से यहाँ पर इंदस नदी है, सतलुज नदी है। तो ये आप देख सकते हैं ये है तिब्बत का पठार, ठीक है, इसकी स्थिति ये है। अब इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसकी जो ऊंचाई है वो पूछ सकता है आपसे, 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचाई है इसकी। अब इसके बाद है भारत का छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार भारत का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में लोहा कोयला मैंगनीज पाए जाते हैं, कई सारे भंडार हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरो का जो खनन होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोना और हीरों के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है, अफ्रीका का पठार। भारत का छोटा नागपुर पठार है उसकी स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है इंडिया का मैप, छोटा सा ही है। तो यहाँ पर ये देखिए भारत के पूर्वी हिस्से में है ये, इतना है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। तो ये इसकी भारत की जो स्थिति है, इधर पूर्व में है छोटा नागपुर पठार, ये इसकी स्थिति है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, जलप्रपात होते हैं, नदियां ऊंचाइयों से वहां पर गिरती हैं। जलप्रपात कहते हैं कि जो नदियां गिरती हैं जो ऊंचाइयों से उसको बोलते हैं जलप्रपात। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात है। तो ये कुछ जलप्रपातों के नाम है वो भी आप याद रखेंगे कि जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी से जो जो भी जलप्रपात गिरता है उसको बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात। कर्नाटक में है एक जोग जलप्रपात, ये इसका भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कर्नाटक का जो जोग प्रपात है वो कहाँ पर है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो कर्नाटक में है आप याद रखेंगे। इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इन पठारों में स्मरणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर पठारों के बारे में केवल इतना याद रखिएगा, भारत का छोटा नागपुर पठार, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, भारत का छोटा नागपुर पठार है, और दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। तो ये हो गए तीन पठार, और इन पठारों से क्या होते हैं, नदियां गिरती हैं जिसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। कर्नाटक का जोग इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा छोटा नागपुर में जो स्वर्णरेखा नदी है उस पर है हुंडरू जलप्रपात, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैदानों की बात कर लेते हैं। तो मैदान में कुछ ज्यादा खास नहीं है यहाँ पर, मैदान बोलते हैं समतल भूमि को, 200 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं होती है ये समुद्र तल से। और यहाँ पर कई सारी चीज़ होती हैं जैसे पत्थर बालू सिल्ट वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं, और नदियों से ये बनते हैं मैदान, ठीक है। और जैसे परिवहन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है। यहाँ पर देखिए एशिया में जो स्थित भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, चीन का यांगत्से नदी का मैदान है, प्रमुख उदाहरण है मैदानों के। तो मैदानों के प्रमुख उदाहरण आपसे पूछ सकता है कि भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, चीन का यांगत्से नदी का मैदान है। तो ये सारे मैदानों के प्रकार हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि मनुष्य यहाँ पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फसलें जो भी हैं सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे है स्थल रूप एवं लोग। तो स्थल रूप एवं यहाँ पर भी कुछ नहीं है, स्थल रूप किस इस तरह के कई सारे लोग रहते हैं। अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर आती रहती हैं। ये रस्सी से बना हुआ पुल है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यहाँ पर फिर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि जो गंदगी करते हैं पानी में, कई सारी बीमारियाँ वहाँ से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है कि सारी चीज, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, हमारे जो काम का होगा केवल वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी, समतल मैदानों के बारे में डिस्कस किया जिसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो पठार थे, पठारों में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसके अलावा जो भारत का छोटा नागपुर पठार है उसमें कोयला लोहा और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार हैं, तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आप जलप्रपात याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी का जलप्रपात है एक, कर्नाटक में जोग जलप्रपात है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पठार के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके अलावा पर्वतों के बारे में भी आप याद रखिएगा, वलित पर्वत, भ्रशोंत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत तीन तरह के होते हैं,
वलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, भ्रशुंड पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं और ज्वालामुखी में पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी में जापान का कौन सा पर्वत आता है, उसका नीचे आप कमेंट्स में नाम बताइएगा, देखते हैं कितना आपको देर तक याद रहते हैं ये चीज़ें, तो वो भी आप बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का था। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। कुछ भी आपको यहाँ से सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।